हे गाइस, मेरा नाम है विकास राज, आप देख रहे हैं टेक्निकल शो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि व्हाट्सएप में ऑटो डाउनलोड फीचर को कैसे डिसेबल करते हैं। तो वीडियो के एंड तक देखते रहिए, और अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी सारी लेटेस्ट आप तक आती रहे। आपको व्हाट्सएप पे क्लिक करना होगा। व्हाट्सएप पे क्लिक करने के बाद थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, वहाँ पे आपको सेटिंग पे जाना होगा। सेटिंग पे जाने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा डाटा एंड स्टोरेज यूसेज, वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको फिर दिखा रहा होगा व्हेन यूजिंग मोबाइल डाटा। अगर आप मोबाइल डाटा पे अपने सारे मीडिया फाइल्स को डाउनलोड करना चाहते हो तो उसको इनेबल कर लीजिए, या फिर नहीं करना चाहते तो डिसेबल कर लीजिए, यहीं से आपका वो वाला होगा, ठीक है। अगर आप उसके बाद अगर आप वाईफाई यूज़ करते हो तो वहाँ पे भी आपको आपके इच्छानुसार आपको इनेबल या डिसेबल कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इनेबल और डिसेबल कर लेना है, मैंने तो डिसेबल कर रखा है। फिर यहाँ पे वैन रोमिंग में अगर आपको इनेबल और डिसेबल करना है तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख रहे होंगे इनेबल और डिसेबल कर रखा है मैंने सारा डिसेबल कर रखा है, ठीक है। फिर आप यहाँ से बैक आइए, मैं आपको बताता हूँ। फिर उसके बाद चैट्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई प्राइवेसी में जाने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा लास्ट सीन प्रोफाइल फोटो अबाउट एंड स्टेटस। यहाँ से भी आप अपने सारे को हाइड या फिर अनहाइड कर सकते हो, मतलब नो बडी माई कॉन्टैक्ट्स एवरी वन, या तो आप सारे को दिखाओ या फिर माई कॉन्टैक्ट्स को या फिर किसी को भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप ये इनेबल और डिसेबल यहाँ पे भी आप कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे इनेबल और डिसेबल, हाँ माई कॉन्टैक्ट्स हो गया, ठीक है। फिर आप आते हैं बैक करते हैं प्राइवेसी भी, उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ चैट्स में, ठीक है। यहाँ पे आते हैं चैट्स में जाने के बाद आप यहाँ पे चैट बैकअप का दिखा रहा होगा ये, तो यहाँ से आप अपने सारे चैट्स को बैकअप कर सकते हो अपने इंटरनल मेमोरी में, जो कि आप अगर कभी फ्यूचर में अगर आप अनइंस्टॉल करते हो व्हाट्सएप को तो ये आपको क्रिएट बैकअप करके देगा, ताकि आप वापस जब इंस्टॉल करो व्हाट्सएप को तो आपका सारी चैट्स जो हैं वो आ जाए। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि हमारी सारे लेटेस्ट अपडेट आप तक आती रहे। धन्यवाद।